नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर नगर सभा चुनाव के मतदान, कल गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मास्टरिंग कार्य। बीदर में 3 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज खुला बाजार, लोग निकले जरूरी खरीदी के लिए। कन्नड़ साहित्य परिषद की संवाददाता सम्मेलन। राज्य में मंगलवार रात 9 बजे से आने वाले 14 दिनों तक लॉकडाउन, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने किया ऐलान। बेटे की टूटती सांसों को बचाने, पिता ने ब्लैक में खरीदे रेमडेसिविर की 2 इंजेक्शन, शीशी में निकला ग्लूकोज वाटर। बगदाद अस्पताल में आग लगने से 82 लोगों की मौत, 110 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों में फैला दहशत। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बीदर नगरपालिका चुनाव के मतदान की तैयारी में जुटे अधिकारी व कर्मी, मतदान को सुगम व पारदर्शिता से करवाने के लिए प्रशासन व चुनाव अधिकारियों ने सभी प्रकार के कदम उठाए हैं। पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया है। सभी पोलिंग केंद्रों के लिए अधिकारी व कर्मियों तथा पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है। बीदर में पिछले शुक्रवार से संपूर्ण लॉकडाउन के बाद से आज शहर में कुछ छूट दिए जाने से बाजार में लौटी रौनक, दुकानें खुलने से लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदने निकले। हालांकि आज भी पूरी तरह सभी दुकानें नहीं खोली गईं, लेकिन फिर भी जरूरी दुकानों को खोला गया। शहर में मंगलवार को नगरसभा चुनाव के मतदान भी होने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का यह भी डर है कि जैसे ही मतदान प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। बीदर में कन्नड़ा साहित्य परिषद द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कन्नड़ा साहित्य परिषद कलाकारों का धन खातों में जमा किया जा रहा है। कर्नाटक में कल रात 9 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा, मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने किया ऐलान। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार रात 9 बजे से आने वाले 14 दिनों तक लॉकडाउन करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने यह भी घोषणा किया है कि कोविड इंजेक्शन के अगले टीकाकरण के दौरान 18 से 45 वर्ष के लोगों को मुफ्त इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान किराना, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल की दुकानों को छूट दी गई है। यह दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के इलाज में जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर की किल्लत के चलते इसकी कालाबाजारी और ठगी के मामले भी रोजाना सामने आ रहे हैं। शहर की लसुड़िया पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो इंजेक्शन की शीशी में ग्लूकोज का पानी भरकर लोगों को ठग रहा था। पुलिस को इसकी शिकायत एक पिता ने की थी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए युवक से 2 इंजेक्शन खरीदे, लेकिन डॉक्टर ने देखा तो शीशी में ग्लूकोज वाटर निकला। कोरोना संक्रमित युवक विशाल के पिता गणेश राव ने बताया कि उनका बेटा ऑक्सीजन सपोर्टर पर है, वे उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में भटक रहे थे जब उनकी मुलाकात उज्जवल नाम के एक युवक से हुई। उज्जवल ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया और कहा कि वह इंजेक्शन की व्यवस्था कर सकता है। गणेश राव ने उज्जवल से फोन पर बात की तो उसने 20,000 रुपए में 1 इंजेक्शन देने की बात कही। कोई उपाय नहीं देख उन्होंने 2 इंजेक्शन खरीद लिए और उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो बताया कि इंजेक्शन की शीशी में ग्लूकोज का पानी भरा हुआ है। गुस्साए गणेश राव ने ठग युवक को पुलिस के हाथों पकड़वाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उज्जवल को फोन लगाकर 2 और इंजेक्शन की जरूरत बताई। गणेश राव उसके बताई जगह पर पहुंचे, लेकिन पैसे घर भूलने का बहाना बनाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उज्जवल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि वह कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर चुका है। पुलिस उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड। बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड विद्यानगर बीदर। फोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, आइए देखते हैं आगे के समाचार। बगदाद अस्पताल में आग लगने से 82 लोगों की मौत। बगदाद में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आए मरीजों का इलाज कर रहे एक अस्पताल में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई है, जबकि कुछ 110 लोग घायल हुए हैं। इराकी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने इसकी सूचना दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता खालिद अल महाना ने रविवार को आधिकारिक इराकिया चैनल को बताया, इब्र अल खतीब अस्पताल में लगी आग में 82 मरीज और स्वास्थ्य सेवा कर्मी मारे गए हैं और 110 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में से कई अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात को ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने के चलते यह हादसा हुआ। देश की राजधानी के पूर्वी हिस्से में स्थित इस अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा था। बाद में नागरिक सुरक्षा दल और अग्निशामक वाहनों के प्रयास के चलते आग पर काबू पाया गया और इसे ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोका गया। आग की लपटों में झुलस रहे इमारत में से बचाव दल ने कुछ 90 मरीजों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भी बचाया। भारत ने रविवार को एक दिन में 3,49,691 नए कोरोना वायरस संक्रमणों का रिकॉर्ड बनाया। इसकी कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 1,69,60,172 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,92,311 हो गई है, जो 2,767 दैनिक नई मौतें हैं। आदानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से आपूर्ति शिपमेंट किया जा रहा है। सऊदी में भारत के दूतावास ट्वीट कर बताया कि अडानी समूह और मेसर्स लिंडे के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। भारत को बहुत अधिक आवश्यक ATMT ऑक्सीजन की शिपिंग के लिए हमारे सभी मदद, समर्थन और सहयोग के लिए सऊदी अरब के स्वास्थ्य राज्य मंत्रालय को हार्दिक धन्यवाद किया है। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने एक ट्वीट में कहा कि हम दुनिया भर से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक आवश्यक मिशन पर है। 80 टन तरल ऑक्सीजन के साथ 4 ISO क्रायोजेनिक टैंकों की यह पहली शिपमेंट अब दमाम के रास्ते में है। भारत पिछले कुछ दिनों में 3,00,000 से अधिक नए कोरोना वायरस मामलों के साथ महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और कई राज्यों के अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस की बेहद खतरनाक साबित हो रही है दूसरी लहर से जूझते भारत के साथ अपनापन दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की सहायता को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक ट्विटर संदेश में कहा, महामारी के शुरुआती दौर में जब हमारे अस्पताल दबाव में थे, भारत ने उस वक्त जिस तरह सहायता भेजी थी, उसी तरह जरूरत के समय भारत की मदद करना चाहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर नगर सभा चुनाव के मतदान, कल गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मास्टरिंग कार्य। बीदर में 3 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज खुला बाजार, लोग निकले जरूरी खरीदी के लिए। कन्नड़ साहित्य परिषद की संवाददाता सम्मेलन। राज्य में मंगलवार रात 9 बजे से आने वाले 14 दिनों तक लॉकडाउन, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने किया ऐलान। बेटे की टूटती सांसों को बचाने, पिता ने ब्लैक में खरीदे रेमडेसिविर की 2 इंजेक्शन, शीशी में निकला ग्लूकोज वाटर। बगदाद अस्पताल में आग लगने से 82 लोगों की मौत, 110 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों में फैला दहशत।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।